आपकी नौकरी लगवा देगा, साढ़े साथ ही हमेशा नुकसान ही नहीं करता है। तो आपको जॉब लग जाएगा, व्यापार नया खुल जाएगा, नए व्यापार में अच्छा लाभ होगा, ये 2.5 साल रहेगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है अगर कुंडली में सही अच्छा है तो। और नीच राशि का है, अस्त है, तो आपको हानि भी होगी। फिर ये छत्र उतर लगी हुई नौकरी छुड़वा दे, अनेक प्रकार के झंझटों में डाल दे, कंचन काम नहीं, कर्ज कलह कलेवर, इन सबसे पत्नी से विवाद करा दे, कर्ज की मात्रा बढ़ा दे, कोर्ट कचहरी करा दे, कर्म क्षेत्र बिगड़ जाए और कलमश तैयार हो जाएगा, आपके शरीर की व्याधि भी बढ़ा सकता है। इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए शनि अगर खराब है तो, और अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इस प्रकार से शनिदेव आपकी राशि से 12वें चल रहे हैं, बाद में चल रहे हैं तो कुटुंब परिवार में विवाद कराने की स्थिति भी निर्मित हो रही है, साथ में धन संपत्ति से विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। तो कुंभ राशि वालों के लिए धन संपत्ति बचाव नहीं है, आया राम गया राम हो रहा है, आता है चला जाता, दिख नहीं रहा पैसा इस प्रकार से, लेकिन सकारात्मक कहीं कहीं खर्च हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन पैसा आपको दिखेगा नहीं, आएगा दिखेगा लेकिन जाते हुए नहीं दिखेगा, कहाँ चलेगा, किस दर में चलेगा ये पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए ये शनि ठीक नहीं कर रहा। साथ साथ में आपके 12वें स्थान पर होने के कारण रोग सत्वों का जरूर विनाश कर, रोग नहीं होने दे रहा है और सत्वों का विनाश हो रहा है, इस प्रकार से कार्य करा, कर्ज करा रहा है, पर इस प्रकार का कार्य भी शनिदेव करा रहे हैं। और भाग्य स्थान पर बना हुआ भाग बिगड़ है, जहाँ आपको कार्य बनना है वहीं बात भाग बिगड़ रहा है, ये शनिदेव का कार्य है। राहु देव आपकी राशि से 4थे चल रहे हैं, ये भी नुकसानदायक है। चतुर्थ स्थान पर चलने के कारण ये भी खर्च की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, विशेष खर्चीला बना रहे, कर्म क्षेत्र को छुड़ा रहे हैं, पिता के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। इस प्रकार से शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान पर रोग सत्वों का विनाशक भी हैं राहु देव। इस प्रकार से राहु देव 4थे अच्छे नहीं माने जाते, ये शुभ नहीं होते, और जहाँ बैठते वहाँ माता की चिंता बढ़ा रहे हैं, मित्रों से धोखा करा रहे हैं, इसका भी ध्यान, राहु कहीं अच्छा नहीं होता, चौथा तो अच्छा होता ही नहीं है। इस प्रकार से राहुदेव का कार्य, सूर्यदेव आपकी राशि से तुला राशि पर हैं, तो कुंभ राशि से तुला राशि से 8वें होती है, 8वें हैं, 8वें एक्सीडेंट करा सकते हैं, नीच के हैं तो जरूर करा सकते हैं, इसका ध्यान रखना। कुंभ राशि वालों को तो चोट चपेट से बचना चाहिए, और खास करके व्यापार का भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सप्तम स्थान पर शुक्रदेव चल रहे हैं, वो भी नीच राशि के हैं, तो पत्नी से विवाद हो सकता है, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो चंद्रदेव भी ठीक नहीं काम कर रहे हैं, मंगलदेव का मैंने दर्शा ही दिया। इस प्रकार से अब चंद्रदेव कहाँ क्या कर रहे हैं, चंद्रदेव आपकी राशि से, चंद्रदेव जो अश्लेषा नक्षत्र में है, तो आपकी कुंभ राशि से ये कहाँ सप्तमें छठवें स्थान पर चल रहे हैं। छठवें चंद्रमा क्या कर रहे हैं, छठवें व्याधि समायुतः, व्याधियाँ ला रहे, अनेक प्रकार की व्याधियाँ आएंगे, नए नए उपद्रव पैदा होंगे 8 तारीख को, और 9 और 10 तारीख को यही चंद्रदेव आपके पंचम स्थान पे आ जाएंगे, 7वें हो जाएंगे, 7वें राज सम्मान, राज सम्मान प्राप्त कराएंगे, और अच्छा सम्मान मान सम्मान सब बढ़ा रहेगा। और 9 और 10 तारीख को ये चंद्रदेव अच्छे, 10 और 11 तारीख को चंद्रदेव आपके कहाँ रहेंगे, आपके चंद्रदेव सप्तमी के फिर अष्टम हो जाएंगे, ये नुकसान दे रहेंगे, इसलिए 9, 10 और 11 तारीख को हमेशा हानिकारक समय दिख रहा है, और 12 तक खराब समय है, उसके बाद 13 और 14 तारीख को दिवाली है, उस दिन एकादशी सर्व लाभम, सब प्रकार से लाभप्रद होने वाले हैं, इसलिए दिवाली आनंद पूर्वक मनाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।
हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।